हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मेरे नए ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, ये शाम का टाइम है, सैटरडे का शाम का टाइम है और देख सकते हैं कितनी तेज़ हवा चल रही है। तो मैं आ गई हूँ छत पे, क्योंकि आज बच्चे लोगों की छुट्टी थी तो थोड़ा घूमने आ गए हैं। और देख सकते हैं इधर कितनी तेज़ हवा जो है चल रही है, हमेशा हवा जो है इतनी ही तेज़ चलती है। तो देखने आ गए थे पौधे को और देखिए पौधा लगभग सारा जो है लग चुका है। एक तो पौधा सूखा है और ये फूल का पौधा भी मतलब लग जाए इसका, पर फूल खिलता नहीं है, बस कोहरी होता है और ये सूख जाता है। और ये देखिए पौधा जो है कितना अच्छे से झूम रहा है। और ये देखिए पौधा लग चुका है और ये बैंगन का पौधा, इसमें देखिए फूल भी लगना शुरू हो गया है। देखिए कितना सुंदर फूल खिला है। तो देखते हैं कब तक ये फलता है। और ये पौधा इतना तेज़ हवा चलता है जैसे लगता है पौधा जो है वो उखड़ कर फेंका जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मिर्ची का भी एक दो पौधा लग गया है, एक दो पौधा जो है अभी तक लगा नहीं है। और देखिए आ गई है चाबी, चलो जाओ दौड़ो, पानी आ गया। तो फ्रेंड्स, अभी जो है ये सुबह का हो गई है और सुबह की संडे की सुबह है और फिर से मैं आ गई हूँ छत पे, क्योंकि आज बच्चे लोगों को स्कूल जाना नहीं है, छुट्टी है तो आराम से जो है सारा काम होगा। उसके पहले मैं मॉर्निंग वॉक कर लेती हूँ और मैं देखो अपना योगा मैट लेकर आ गई हूँ और आज जो है योगा करने वाली हूँ। बहुत दिनों से योगा मैंने किया नहीं है। तो फ्रेंड्स, अभी योगा मैट बिछा लेते हैं और योगा करना शुरू करते हैं। चार भी बार भी जो है नीचे सो रही है, तब तक योगा कर लेते हैं। तो योगा करने से पहले जो है स्टार्ट करने से पहले वार्म अप करेंगे, तो सबसे पहले वार्म अप कर लेते हैं। फ्रेंड्स, वार्म अप खत्म हो गया है और अभी कुछ योगा का जो है आसना कर लेते हैं। तो इसे हम लोग वृक्षासना बोलते हैं और बहुत दिनों बाद आज मैं कर रही हूँ तो डिसबैलेंस हो जा रहा है। तो दोनों तरफ से करेंगे, तो पहले लेफ्ट पैर से कर लेते हैं, उसके बाद राइट पैर से करेंगे। तो राइट पैर से जो है मेरा आसानी से हो जाता है, लेकिन लेफ्ट पैर से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था। और इस आसन को करने से जो है आपका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ता है, तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से ये आसन भी हो जाता है। तो फ्रेंड्स, अभी मेरा जो है ये वृक्षासन खत्म हो गया है, तो आज मैं पूरा एक सेट सूर्य नमस्कार का करने वाली हूँ। बहुत दिनों से किया नहीं है और आज टाइम है तो सूर्य नमस्कार करते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरा जो है योगा ख़त्म हो चुका है और मैंने जो है लास्ट में सूर्य नमस्कार करके जो है रिलैक्स भी कर लिया है। तो अभी चलते हैं नीचे योगा मैट समेट लिया और देख सकते हैं कितना हवा जो है वो चल रही है। अभी नीचे का काम करना है और देखिए बारहवीं मुझे ढूंढते ढूंढते ऊपर आ गई है। तो बारहवीं को थोड़ा देर मॉर्निंग वॉक करने देते हैं, उसके बाद नीचे चलेंगे। पौधा में पानी पड़ेगा नहीं, क्योंकि कल ही जो है वो बारिश हुई थी और देख सकते हैं बादल पूरा छाया हुआ है। तो अभी बारहवीं को लेकर नीचे चलते हैं और इसको कुछ खाने के लिए देते हैं, ब्रश करवाते हैं इसको, क्योंकि ये कभी कभी ब्रश जो है करती नहीं है। तो फ्रेंड्स, आ गए हैं नीचे और अभी किचन का काम जो है वो करना बाकी है। तो सबसे पहले बर्तन धोना है, तो एप्रन जो है पहन लेते हैं, नहीं तो कपड़ा जो है कभी कभी ज़्यादा गंदा हो जाता है, यहाँ छीटा पड़ता है। तो अभी दोस्तों बर्तन धोना जो है शुरू करते हैं। अभी खाना भी बना नहीं है, कुछ भी नहीं बना है, ना ब्रेकफास्ट बना है, क्योंकि अभी आज संडे है और ये सुबह का ही टाइम है। तो फ्रेंड्स, देखिए अभी जो है बर्तन मेरा धुल गया है और देखिए अभी चावल चढ़ा दिए हैं और खाने में क्या बनेगा अभी तक कुछ डिसाइड हुआ नहीं है, तो कुछ बना लेंगे। और चूंकि आज संडे है तो बाहर भी जाना है बच्चे लोगों के लिए, तो सबसे पहले चारवीं बारहवीं को जो है होमवर्क जो है करवा लेते हैं। बारहवीं का बहुत सारा जो है वो छूटा हुआ है, तो देखिए बारहवीं भाग चुकी है, उसको पकड़ कर लेकर आते हैं पहले। देखिए दोस्तों, हमारी बर्तन खाली है।
कॉल्सेस में प्रोटीन होता है, फ्रूट में भी शुगर होता है। देखो एक बार, नमी नमी का वो रैमी पढ़ लिखो, नमी 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 का कुछ होगा, कमी कमी लिखो, कमी कमी, जल्दी जल्दी लिखो ना, कमी कमी। शुगर भी कार्बोहाइड्रेट, फ्रूट भी कार्बोहाइड्रेट होता है। हाँ, और 4वीं 12वीं का जो है होमवर्क करवा दिए हैं, 12वीं को पढ़ा दिए हैं दोस्तों, और आ गए हैं किचन में खाना बनाने के लिए। बचा हुआ खाना जो है वो बना लेते हैं, और 4वीं 12वीं को भूख भी लग गई होगी, तो अभी जो है चावल दाल ही बना लेते हैं और सब्जी बना लेंगे। तो फ्रेंड्स, और जो आज संडे है तो पापड़ बना लेंगे। तो अभी जो खाना बन चुका है, एक दो बर्तन रखा हुआ है उसको धो लेते हैं, और फ्रेंड्स अभी नहाना बाकी है और बच्चे लोगों को लेकर बाहर जाना है, तो जल्दी जल्दी से 4वीं 12वीं को नहाने के लिए भेज दिए हैं और उन लोग को खाना भी दे देंगे। अरे चमेली को भी रखी है, दो चांस तो थी, उसका तो बस लाल हो गया, हार जाएगी चली है। चलो जल्दी खा ले, फ्रेंड्स गेम खत्म हो चुका है और बारबी जीत चुकी है। और बारबी देखिए पूजा कर रहे थे, तो बारबी अगरबत्ती ले चुकी है और काफ़ी खुश है। 4वीं को खाना दे दिए हैं और बारबी खाना खा चुकी है, और अभी हम भी चलते हैं खाना खाने के लिए। और फ्रेंड्स अभी जो है खाना खा लेते हैं, उसके बाद जो है चलेंगे बाहर, तो 4वीं 12वीं को तैयार करेंगे। और देखिए बारबी जो है एक स्कर्ट पहन लेती है, वो है 4वीं का, और इतना लंबा है फिर भी पहन लेती है, और 12वीं को जो है ये स्कर्ट पहनना अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स जल्दी जल्दी से खाना खाते हैं, उसके बाद तैयार होकर चलेंगे घूमने। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही, वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।